नमस्कार दोस्तों, मैं गुलजार आलम अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गया है तो आप ऑनलाइन घर बैठे वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वोटर आई कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए आपको। वैसे तो आप अपने ब्यूरो के संपर्क में जाकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आप चाहें कि अपने मोबाइल से घर बैठे अपने फ़ोन से अपना वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करें तो इसके लिए आपको मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। घर बैठे वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर को ओपन करते ही और उसमें टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, डाउनलोड हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। यहाँ पर पहला फॉर्म्स है, दूसरा कंटेंट है, तीसरा ईवीएम है, इलेक्शंस है, रिजल्ट्स है और कैंडिडेट्स है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्म वाले पर क्लिक करेंगे। ऊपर में है अप्लाई ऑनलाइन, न्यू ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र, डिटेक्शन फॉर्म, करेक्शन ऑफ इनरोलमेंट फॉर्म, ट्रांसपोज फॉर्म। हमको ये सब सारे चीज़ों को नहीं देखना है, हमको जो देखना है अप्लाई ऑनलाइन न्यू पर क्लिक करना है। पर क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे ऐप को तो वहाँ पर आपका नाम इंटर करने को बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। लेट स्टार्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने आ गया कि आई अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने जो है अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है क्योंकि वहाँ पहले ही हमने वो चीज़ क्लिक किया है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लिखा है यस आई एम इंडियन सिटीजन। हम इंडियन सिटीजन हैं और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्टेट को चुनने के लिए, सिलेक्ट स्टेट। तो क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर बहुत सारा अदर स्टेट भी है, असम है और सारे स्टेट है। हम तो बिहार से हैं, हम बिहार को गोवा है, गुजरात है और अदर देन बहुत सारा है, सारा स्टेट इसमें अवेलेबल है। तो हमको यहाँ पर अपने स्टेट को देखकर क्लिक करना है। हम बिहार से हैं, बिहार को क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। इस तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने पीछे जा सकते हैं। लास्ट इसमें डेट दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2003 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो अपना ऑलरेडी कर सकता है, उसके बाद वाला जितना है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम ये डेट जो दिया हुआ है 1 जनवरी, ये इस डेट को वो 18 साल पूर जाता है। तो हम इस तरह से हम अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने ही अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि आप कौन सा
डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करेंगे जो आपके डेट ऑफ बर्थ को सेटिस्फाई करता हो। तो हमने क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है और अदर देन बहुत सारा चीज़ है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, अपलोड और डिजी लॉकर। हम जो इसमें अपलोड करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका फाइल साइज़ जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम हो लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPEG या JPG में ही अपलोड करें। तो चलिए हम यहाँ पर अपने फाइल में जाते हैं, फाइल में हम देखते हैं, यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये 2 MB से कम है, इस तरह 2 MB से कम है। किसी भी फाइल का MB में उसका साइज कैसे बढ़ाना घटाना होता है ये हमने पहले करके रख चुके हैं। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसका सारा हमने फाइल एडजस्ट करके रखा हुआ है। कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसको कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, इससे रिलेटेड अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आधार कार्ड जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर खुल के आता है प्लीज़ इंटर योर पर्सनल पिक्चर, यानी कि जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप अपना अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। साइज जो है 200 KB से अलाउड है, यानी कि मैक्सिमम जो है 200 KB ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए इस तरह से हम अपना फाइल को अपलोड करने जा रहे हैं। इस तरह से हम अपने फाइल से अपना फ़ोटो को इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ये हम इसका साइज दे रहे हैं, कितना करो करके रखना है, इस तरह से हमने कर दिया है, इस तरह से ओके कर दिया, करो हो गया मेरा यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड पिक्चर हो गया, ये मेरा पिक्चर बन चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें नाम इंटर करने को बोल रहा है। इसमें नाम इंटर करेंगे, यहाँ पर है इंटर योर नेम, नेक्स्ट में भी नाम इंटर करने के लिए ही बोला जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर चलिए हम अपना नाम लिख देते, क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो क्षेत्रीय भाषा को अपलोड कर लेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में नाम लिखा है गुलजार आलम, 2 copy वही चीज़ आ गया है, यहाँ पर नीचे भी गुलजार आलम लिख कर आ गया है। सरनेम में अगर यदि कोई नाम आपका है तो वहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है तो हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। करने के बाद हम अपना जीमेल इंटर करेंगे, हमने अपना जीमेल को इंटर कर लिया है। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, यदि आप कोई डिसेबिलिटी आप में नहीं पाया जाता है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इसको इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव, यानी कि आप किसी रिलेटिव सदस्य का नाम देते हैं। इसमें अगर आप जेंट्स हैं तो इसमें अपने फादर्स नेम को इंटर करेंगे, अगर लेडीज़ हैं तो इसमें अपने हस्बैंड का नाम इंटर करेंगे। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं, तो और हमने इस तरह से कर लिया है। अब है रिश्तेदार का नाम हिंदी में, ऑटोमेटिक आ जाएगा हिंदी में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चीज़ पूरी तरह से उतना बेहतरीन से नहीं आया है, हम इसको एडिट करके आपको दिखाते हैं। मोहम्मद इसहाक हो गया, ये फादर्स हैं हमारे, तो हमारा फादर्स में टिक रहेगा। अगर जिसका हस्बैंड है वो हस्बैंड में टिक करेंगे, जिसका ब्रदर है वो ब्रदर में टिक करेंगे। चलिए यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंटर योर करेंट एड्रेस, जो पर आपका रियल में यानी कि फ़िलहाल में जो एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का हाउस नंबर आपको इंटर करना होगा। आपको 2 तरीके से आप हाउस नंबर को इंटर यहाँ पर अपना ज्ञात कर सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य से अपना वोटर आईडी कार्ड उनका लें और उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप डिजिटल रूप से निकालना चाह रहे हैं, इंटर कर दिया। इसी तरह से हमको यहाँ पर नीचे में भी इंटर सेम वही चीज आ जाएगा। सेलेक्ट
स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, यानी सकते हैं। हमने इस तरह से अपना टाइप कर दिया है, हाउस नंबर को इंटर किया है और अपने लोकेलिटी स्ट्रीट एरिया जो है उस चीज़ को। अब ऑप्शन आता है टाउन या विलेज, अगर आप विलेज से हैं तो विलेज को इंटर करें, नीचे हैं विलेज और उनका हिंदी नाम आएगा। और दोस्तों हम यहाँ पर इस पड़ाव पर पहुँचते हैं कि इंटर योर करेक्ट एड्रेस, हाउस नंबर को इंटर किया हमने और यहाँ पर इस तरह से उसको स्थानीय भाषा में भी इंटर किया और अपना सेलेक्ट लोकेलिटी को अपना सेलेक्ट किया। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कहा गया है कि अपना इन सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड भी मान्य प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर हमने एक बार पहले आधार कार्ड को अपलोड कर चुका है, इसलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड को पुनः अपलोड नहीं करना है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा हम सेलेक्ट करके देखते हैं तब यहाँ पर हमको ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सेलेक्ट करने का, अपलोड करने के लिए। जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड करने का हमको ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर हमको अपलोड करने के लिए कहा गया है। लेकिन हम यहाँ पर जो है एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड को ही अपना एड्रेस प्रूफ चीज़ को हमको अपलोड करना है, जिसका अपने रिलेशन जो फादर का दिए थे हम उसके वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर इस तरह से अपलोड करेंगे। तो एमबी तक को लिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फादर का जो है वोटर आईडी कार्ड को लेंगे और इस तरह से उसमें अपलोड कर देंगे कि यहाँ पर उसका अपलोड कर दिया गया। तो हम यहाँ पर इतना करने के बाद हम जैसे 18 साल के हुए उस चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है 30/1/2021 को हम 18 साल के पूर गए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इस तरह से करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का प्रीव्यू सामने खुलकर आ जाएगा, ये हमारा पूरा प्रीव्यू हुआ है। कन्फर्म करेंगे तो हमारा फॉर्म ये कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए हमको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा और उससे रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। हम ऑलरेडी पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, हम आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं, हम अप्लाई वेरीफाई यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको उस चीज़ को दिखा देते हैं कि किस तरह से हमारा वहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और हमारा ई आधार ई वोटर आई डी कार्ड हमारा बनकर भी तैयार हो गया है। चलिए हम उसको देखते हैं। तो उसको जब हमको वहाँ पर एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर 3 डॉट लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा आता है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन का यहाँ पर हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुलजार आलम, यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर आपके जीमेल एड्रेस पर भी भेज दिया जाता है और उस समय नहीं भी भेजा जाता है, लेकिन बाद में कुछ देर के बाद में आपके जीमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर इसको यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके उसमें वहाँ पर टैप करना होता है। तो हम चलिए इसको इस तरह से एक बार टैप कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है, नाम भी जिस डेट को हमने ये चीज़ अप्लाई किया था वो डेट है 18 साल जिस दिन पूरा मेरा वो डेट है यहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्टेट है, यहाँ जिस विधानसभा से हम आते हैं वो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है। टाइप ऑफ फॉर्म, फॉर्म का 6 फॉर्म यहाँ पर सबमिटेड डेट है, बीएलओ अपार्टमेंट भी हो गया है, वेरीफाइड बीएलओ भी कर चुके हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट यानी कि वो बीएलओ जो आगे एक्सेप्ट किए हैं वो चीज़ भी कर चुके हैं। और नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ से ईपिक नंबर मिल जाता है, ये ईपिक नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पे यही होंगे। जब आपको यहाँ पर ई वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना होगा तो इसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि जानकारी मिल गई होगी, परंतु फिर भी किसी तरह के आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों की पूरी तरह से उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप
आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, साथ ही अपने आसपास सफाई बनाए रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।